सो हेलो गाइस, तो हम लोग कल पत्नीटॉप घूम चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं शिवखोरी, तो शिवखोरी के लिए निकल चुके हैं कटरा से। और वही कल वाले ड्राइवर हैं हमारे पास, भाई साहब हैं, ये देखिए यही भाई साहब। हमने होटल वाले को बोला कि हमको बुलाओ वही भाई साहब को, क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे, इनके साथ दिल लग गया भाई। देख लो, बहुत अच्छे बंदे भाई, इनसे मतलब हम तो नंबर दे देंगे इनका। अगर किसी को जरूरत पड़े बस इनको कांटेक्ट करना, यहाँ आना। तो क्योंकि यहाँ पे पता है सब समझाने वाला है, लेकिन एक यही बंदा है जो अच्छा लगे हमको, अच्छा क्या, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये सारा जानकारी देते हैं, सारा रास्ता भी बताते हैं, अच्छा से घुमाते भी हैं, जहाँ बोलोगे रोक के दिखाते भी हैं। साला दूसरा कोई तो यहाँ से वहाँ जाएगा 200 रुपये ले लेगा आपसे। हमने बहुत झेला, आपको और बढ़िया से बताएंगे। तो चलिए अभी शिवखोरी जा रहे हैं, दिखाते हैं पूरा रास्ता को बताएंगे। और अभी तो शुरुआत हुआ है, चलिए आगे आगे दिखाते हैं कहाँ से कहाँ क्या गुजरता है। यही भाई साहब हमें बताएंगे कि क्या क्या गुजरता है। देख लीजिए, हमारे सब कोई साथ है। तो हम लोग अब शिवखोरी की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये कौन सा जिले से कहते हैं इसको, चिनाब, क्या चिनाब लिबर, चिनाबी लिबर, जो भी हो आप लोगों को पता होगा। और हीना फिल्म का शूटिंग यही हुआ था। आप पाकिस्तान जाती है नदी, पाकिस्तान जाती है नदी, चीन से आती है, चीन से आती है और पाकिस्तान की तरफ ये नदी जाती है। बहुत अच्छा सुंदर पानी लग रहा था, पानी रुका हुआ है। अच्छा, पानी अभी ऊपर से रुका हुआ है, रुका हुआ डैम है ना ऊपर। अच्छा, डैम है, डैम खोलेगा तो पूरा बाढ़ आ जाएगा। ओ भाई साहब, हम लोग पहुंच चुके हैं शिवखोरी। और देखिए हम लोग जिस रास्ता में आए हैं, बहुत सुंदर रास्ता है, यहाँ के लोगों भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, वादी भी बहुत सुंदर है। ये हमारे ड्राइवर साहब शॉर्टकट रास्ता से लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छे ड्राइवर है भाई, हम लोगों का कुछ पैसा बचा दिए दूसरा रास्ता से। ओ भाई साहब, शिवखोरी फाइनली पहुँच गए हम लोग। ये देखिए आप सीन देख सकते हैं कितना सुंदर है। अभी हम लोग घोड़ा के लिए पर्ची कटवाएंगे, और हम अपने लिए नहीं, हमारे फूफा जी के लिए, वो एक कदम भी नहीं चल पाते इसलिए उनके लिए पर्ची कटवाना है हम लोगों को। ये देखिए हमारे फूफा जी हैं, चलिए पर्ची कटवाते हैं, उसके बाद चढ़ाई चालू करते हैं। तो अब हम लोग यात्रा शुरू कर चुके हैं शिवखोरी जाने के लिए। और ये देखिए हमारे फूफा जी जा रहे हैं, अरे हमारी मम्मी जा रही है, ये देखिए तन्नु बाबू। चलिए तो अब हम लोग ऊपर पहुंचेंगे। बहुत मजा आ रहा भाई शिवखोरी जाने में। और देखो भाई, मेरे भाई के साथ एक धोखेबाजी हो गया, यहाँ पे बेचारा बैठा था और यहाँ देखिए बंदर लेके चला गया इसका प्रसादी। ये जा रहा था कि भोले बाबा के पास और प्रसादी लेके बैठ के आराम से खा रहा। अरे भोले बाबा को चढ़ाने का प्रसादी था भाई, ये अकेले अकेले खा रहा है। भोले बाबा पे चढ़ गया, बात सही है, प्रसाद यहीं पे चढ़ा गया, भोग भी लग गया। ओ भाई साहब, बस अब पहुँचने वाले ही है भाई साहब, शिवखोरी गुफा के पास पहुंचने वाले ही हैं। बस थोड़ा ही दूर आउट है, नहीं थोड़ा दूर नहीं है यार, थोड़ा सा ज्यादा दूर है, लेकिन पहुंच जाएंगे। ये शंकर जी का त्रिशूल लेगा तुम, कौन सा यार, प्रसाद ले लो चढ़ाने के लिए, कहाँ पे रहता है शंकर, ये बोला चाय पी लेंगे हम लोग, यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए। देखिए यहाँ पे चाय है, मैगी है और खीरा है, डमरू है, हर चीज मिल रहा है यहाँ पे, किशमी। अच्छा चॉकलेट लोगे, ठीक है चलिए देखते हैं ऊपर चलते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, शिवखोरी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है बहुत लंबा, एक तरफ और एक तरफ नॉर्मली आप जाकर दर्शन कर आ सकते हैं। ये जो लाइन लगा हुआ है ना, इसमें है क्या आप घुसिएगा तो रेंग कर जाना पड़ेगा थोड़ा सा अंदर में, लेकिन दर्शन दोनों एक ही जगह एक ही तरह से होगा दर्शन।
चलिए। और यहाँ पे भंडारा भी आज चल रहा है, भंडारा देखिए लाइन लगा हुआ भंडारा खाने के लिए भी, चावल राजमा और ये सब प्रसाद के तौर पे है, और यहाँ प्रसाद मिलता है लड्डू, आप आए तो यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए, और मोबाइल को रख देंगे कहाँ पे, जमा रख देंगे कहीं पे। हम लोग यात्रा करके ऊपर से नीचे उतर रहे शिवखोरी से, और देखिए ये सब थक के यहाँ पे बैठ चुकी है, और पता है अभी प्रसादी छीन रहा था बंदर, तो हम यहाँ पे देखिए लुका के ला है, अभी चार लोगों का प्रसादी बचा है, चौथा में मेरी बुआ के छीन लिया था, लेकिन फिर भी बचा लिए, अब बचा कर बंदर से छीन के हम यहाँ पे घुसा के लुकाए हुए हैं। बहुत लोगों का यहाँ प्रसादी छीना है, इसलिए जब भी आइएगा भैया आपको भी बता दे रहे हैं, ऊपर से आइएगा प्रसादी लुका के ही लेकर आइएगा चाहे। हाँ बहुत ज़्यादा छीन रहा है, बहुत लोगों का ऊपर छीन लिया है, बहुत लोगों का।